हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न विद शेफाली तो आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर टू की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे दैट इज़ ने मंडेला लॉन्ग वॉक टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है ये ये लिखी किसने हैं ऑफकोर्स नैनसन रोहि लाला मंडेला ये इन्होंने ही लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी क्या होती है खुद के बारे में लिखना खुद का बायो लिखना ठीक है तो ये बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनमें से ही इस चैप्टर को लिया गया है ठीक है ये खुद नैजिल मंडेला ने लिखा है ठीक है तो बिफोर यू रीड सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस तो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है एप्रिटाइट एपीटाइट क्या होता है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को सेपरेट करता है अलग करता है अकॉर्डिंग टू द रेस रेस का ये मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन के से रिलीजन से इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को क्या करता है सेपरेट करता है तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज़ आपको तीन कंट्रीज़ के नेम दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि रिसेंटली ये एपीटाइट वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अप्लाई हुआ था दैट इज़ यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया तो ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका आपने नैलसन मंडेला का नाम तो सुन ही रखा होगा सब ने ठीक है और थोड़ा थोड़ा पता भी होगा उनके बारे में तो ये साउथ अफ्रीका के हैं तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था ये पॉलिटिकल सिस्टम अप्लाई था हैव यू हेयर ऑफ द नेल्सन मंडेला क्या आपने कभी सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में मंडेला एंड हज अफेरिकन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो ये उनकी पार्टी का नेम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ठीक है स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द एप्रीडाइड तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में फाइट ही करते रहे इसके अगेंस्ट कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये सब बंद होना चाहिए वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में ठीक है रिलीजन से रिलेटेड और बहुत से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ठीक है उसके लिए हमेशा ये लाइफ टाइम इन्होंने फाइटिंग ही की है मंडेला हैड टू स्पेंड थर्टी इयर्स इन द प्रिजन और उन्होंने इसी वजह से क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी उसी की वजह से इनको क्या हुआ था जेल में भी रहना पड़ा था तीस साल तक ठीक है फाइनली डिस्क्रिमिनेट इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन नाइनटीन तो इलेक्शंस क्या होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं कहाँ पर साउथ अफ्रीका में इन 1994 में मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन और वो उन इलेक्शंस में जीत जाते हैं और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं और न्यू नेशन क्यों बोला है क्योंकि जब तक नेल्सन मंडेला नहीं बने थे तो उससे पहले इन्होंने बहुत फाइटिंग की थी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से रिलेटेड वाइट पीपल ब्लैक पीपल क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती थी क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी का रूल था वाइट लोगों का रूल था ठीक है तो वो ब्लैक पीपल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते थे बहुत ही ज़्यादा रूल्स वगैरह होता था तो कोई भी आवाज़ उठाता था तो उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता था उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी तो इसीलिए न्यू नेशन बोला गया है कि अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट जीत गया है दैट इज नैलसन मंडेला ठीक है इन दिस एक्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी तो एक्स्ट्रैक्ट लिया गया है ऑटोबायोग्राफी से ठीक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह इनका बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इनोग्रेशन दोनों ने इसमें एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करी गई है जिसका नाम बोला गया है द इनोग्रेशन अब किस चीज़ की इनोग्रेशन होने वाली है क्या आप गेस कर सकते हो इस ओकेजन को चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द बी बी सी ऑफ टेंथ में नाइनटीन नाइन्टी फोर बी बी सी एक न्यूज़ है न्यूज़ पेपर जैसा होता है ठीक है तो उसमें इस बारे में छपा है तो वो चीज़ क्या छपी हुई है क्या न्यूज़ आइटम न्यूज़ छपा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इनोगेशन क्या थी मंडेला बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ने मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट आफ्टर मोर देन थ्री सेंचुरीज ऑफ द वाइट रो तो तीन सेंचुरी तक तक किसका रूल था वाइट रूल का वाइट लोगों का रूल था तो अब वो ब्लैक प्रेजिडेंट बने हैं ठीक है ठीके? पहले ठीक है मिस्टर मंडेलाज अफ्रीका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो उनकी पार्टी का क्या नाम है आपको याद रखनी है छोटी छोटी बातें दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए एन सी वॉन्ट टू फिफ्टी टू ऑफ द फोर हंड्रेड सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री तो सीट्स कितनी होती है फोर हंड्रेड सीट होती है जिसमें से आपका हाफ कितना हो जाता है टू हंड्रेड हो जाता है तो टू हंड्रेड से अबअ सीट्स होगी तो वो जीतेगा इंसान तो मिनेंसल मंडेला की कितनी सीट्स मिली उन्हें थी टू फिफ्टी टू सीट्स उन्हें मिली थी इस इलेक्शन में ठीक है तो इसीलिए वो क्या हुए थे वो जीत गए थे द इनोग्रेशन सेरेमनी टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फी थिएटर इन द व पिक्टोरिया टुडे अटेंडेड बाय द पोलिटिशंस एंड द डिग्नेटरीज फ्राम मोर दैन देन वन फोर्टी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड तो ये जो इनोगेशन की सेरेमनी थी ये कहाँ पर हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं जो कि जैसे पार्लियामेंट वगैरह होते हैं ना तो उनकी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो होती है एम फी थिएटर का क्या मतलब होता है एम फी थिएटर का मतलब वैसे आगे लिखा हुआ है लेकिन वो होता है कि पार्लियामेंट के सामने क्या होती है स्टेयर्स होती है जैसे स्टेडियम में नहीं होती है ठीक है क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पे बैठ के क्या होता है वहाँ पे कुछ रूफ वगैरह नहीं होती है तो वहीं पे वहीं पे एमपी थिएटर यही होता है कि वहाँ पे हुआ था इनोग्रेशन जिस पर कोई रूफ नहीं थी वहाँ ही स्टेयर्स थी, थी तीनों चारों तरफ स्टेयर्स स्टेयर्स थी तो वहाँ पर ये हुआ था इन पिक्टोरिया में ठीक है जिसमें पॉलिटिशियंस थे जितने भी वर्ल्ड में पॉलिटिशन्स हैं ठीक है बड़े बड़े डिग्नेटरीज़ का मतलब क्या होता है जितने भी फेमस पर्सन हैं जितने भी फेमस लीडर्स हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद थे वन फोटी कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में से आए हुए थे ठीक है तो उन सब लोगों ने इसे भी अटेंड किया था इस इनोगेसन का नेवर नेवर अगेन विद दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑब्सेशन ऑफ वन बाय अनदर सैन नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस तो एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि नेवर एंड नेवर अगेन कभी भी अब इस ब्यूटीफुल लैंड साउथ अफ्रीका की जो ब्यूटीफुल लैंड है वो अब कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेगी एक्सपीरियंस क्या नहीं करेगी ऑब्सेशन एक्सपीरियंस नहीं करेगी ऑब्सेशन का मतलब हो गया ये अत्याचार एक दूसरे पे जो लोग अत्याचार करते थे वाइट लोग ब्लैक लोगों पे अत्याचार करते थे उन्हें उन पर अब्यूज़ करते थे उन्हें क्रूअली ट्रीट किया जाता था ऑब्सेशन का मतलब यही होता है ठीक है एक दूसरे को बुरा बुरा बोलना ये सब अब इस ब्यूटीफुल लैंड पे नहीं होगा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ठीक है तो ये नंसल मंडेला कहते हैं जॉबीलैंड सीन जॉबीलैंड का क्या मतलब होता है कि जॉयफुल और है सीन था एक स्ट्रीट ऑफ द पिक्टोरिया में ठीक है इस सेरेमनी के थ्रू क्या हो रहा था ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल और कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर मतलब कि इंटरनेशनल जितने भी लोग थे जितने भी कलर्स थे सब वहाँ पे मौजूद थे ऐसा नहीं है कि पिंक लोग ग्रीन लोग ऐसा तो होता ही नहीं है ना तो जितने भी कलर्स थे ह्यूमन के वो वहाँ पे सभी प्रेजेंट थे और वो सीन जो था वहाँ पे वो बहुत जॉयफुल हैप्पी मूड में था सबका सब बहुत खुश थे मोर दैन दैन वन लैक साउथ अफ्रीकन मैंस वुमेंस एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल ऑल द रेस सेंग एंड डांस विद द जॉय तो जितने भी साउथ अफ्रीका में मैन थे वुमेन थे चिल्ड्रन थे वो सभी क्या कर रहे थे वहाँ पे गाना कर रहे गाना गा रहे थे डांस कर रहे थे क्योंकि सब ही बहुत ज़्यादा खुश थे इस रोल के हटने से इस डिस्क्रिमिनेशन के हटने से ठीक है अब जो ब्लैक लोग तो परेशान थे कि इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है उन पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती है लेकिन अगर जो लोग लगाएंगे उन पर भी वो चीज़ लागू होती है तो वाइट लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये सब चीज़ें हट गई हैं ठीक है तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे आगे देखते हैं तो ये एक्टिविटी जो है आपके लिए होमवर्क है आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं टेंथ में ड्रोन ब्राइट एंड क्लियर ड्रोन का क्या मतलब होता है कि मॉर्निंग टेंथ मे की जो मॉर्निंग थी ही टेंथ में देखो आप कैपिटल में लिख रखा टेंथ तो ये डेट याद रखेगा कि टेंथ मे को मॉर्निंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर थी फॉर द पास्ट फ्यू डेज कुछ पहले डेज की बात की गई है जहाँ पे सब ब्रेज ब्रेज का क्या मतलब हो गया कि बहुत से लोग आ रहे थे गिव सम ठीक है कि प्लीजेंटली ब्लेज बाय द डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन इनोग्रेशन से पहले कुछ दिन पहले की बोला जा रहा है कि डिग्नेटरीज फेमस लोग वर्ल्ड लीडर्स जितने भी थे वो सभी वहाँ पे आ रहे थे और उनको नैनसल मंडेला को क्या दे रहे थे रिस्पेक्ट दे रहे थे द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकाज लैंड तो ये जो इनोग्रेशन है बहुत ही बड़ी गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं साउथ अफ्रीका की सॉयल पर ठीक है तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग थी तो नैनसन मंडेला ने इस बुक में अपना जितना भी उन्होंने फाइटिंग की है जो जो चीज़ें वहाँ पर हुई थी उस समय पर हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस बुक में लिख दी थी तो उसी से ये शादी लिया लिया गया है ठीक है द सेरेमनीज टक प्लेस इन द लवली साइंस स्टोन एम फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया तो एम फी थिएटर में ये चीज़ हुई थी हम बात कर चुके हैं सेरेमनी एम्फी थिएटर क्या होता है अब बिल्डिंग विदाउट अ रूफ जो कि मैंने आपको बताया विद मैनी रोज ऑफ सीज बहुत सी रोज होती हैं राइजिंग इन द स्टेयर्स स्टेयर्स बने हुए थे बहुत सारे ठीक है रूफ नहीं होती है उन पर फॉर डिकेज दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रेमेसी तो फॉर डिकेज बहुत डिकेज से क्या था वाइट रूल चल रहा था वाइट सुप्रेमेसी की सीट चल रही थी नाउ इट वॉज अ सीट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स और द नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ़ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रीजनल गवर्नमेंट लेकिन अब तक वाइट रूल चल रहा था लेकिन अब क्या है रेनबो गैदरिंग मतलब कि अब हर कलर के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे डिफरेंट कलर्स मौजूद होंगे और डिफरेंट नेचर्स का इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे डिफरेंट लोगों से इंस्टॉलेशन हुआ है और ये पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशनल ये नॉन रेशनल का मतलब कि अब भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होगा अब सब बहुत खुशी खुशी सब एक साथ रहेंगे वाइट ब्लैक लोग सब एक साथ रहेंगे ठीक है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो नॉन रेजनल गवर्नमेंट अब फॉर्म हुई है ठीक है ऑन दैट लवली ऑटम डे अब वो ऑटम डे है आई वॉज अकम्पलिश्ड बाई माई डॉटर अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी अब उनके डॉटर का नेम आपको याद रखना है दैट इज जिनानी ठीक है लवली ऑटम के डे था और वहाँ पर जिस दिन की ओकेजन हुई थी ठीक है अकम्पनी दिया था उनका डॉटर ने उनको कंपनी दी थी ऑन द पोडम पोडम क्या होता है कि माइक पर मंच पर खड़े होना ठीक मिस्टर डे द फर्स्ट सोन इन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट तो सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट किसे बनाया गया मिस्टर डे क्लर्क को देन में डेला के आप पिक्चर देख सकते हैं थाबो मैबे की. उन्हें फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट बनाया गया और वो थे सेकेंड प्रेजिडेंट ठीक है डिप्यूटी प्रेजिडेंट वेन इट वॉज माई टर्न अब नैलसन मंडेला की टर्न आ जाती है बोलने की आई प्लेज टू ओबे प्लेज का क्या मतलब है कुछ करने के लिए वचन देना फॉर्मली प्रोमिस देना कि मैं ऐसा करूंगा तो आई प्लेज टू ओबे कि मैं ओबे करूंगा मैं रूल्स को फॉलो करूंगा अप होल्ड अप होल्ड का मतलब होता है उस चीज को हैंडल करना या सपोर्ट करना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल एंड सपोर्ट करूँगा और मैं अपने आप को माई सेल्फ को डिवोट करता हूँ मैं अपने आप को डिवोट करता हूँ इस रिपब्लिक को वेल वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक और इन इस साउथ अफ्रीका के लोगों को टू द असेंबल्ड गैस एंड द वॉचिंग वर्ल्ड अब जितने भी गेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे और पूरे वर्ल्ड में जिस टी वी पर चल रहा होता है ना जब किसी की स्पीच वगैरह होती है जैसे नरेंद्र मोदी की स्पीच होती है मोदी जी की स्पीच होती है तो क्या होता है टीवी पे चलने लग जाती है वो स्पीच तो ऐसे ही जितने भी वर्ल्ड में लोग मुझे देख रहे हैं तो उनसे वो बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर आज के दिन हम सबकी प्रेजेंस से क्या हो रहा है कंफर्म कंफर्म का मतलब होता है गिव गिव ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी अब ये जो हमें लिबर्टी मिली है ये जो हमें फ्रीडम मिली है न्यू बॉर्न फ्रीडम मिली है उससे हमें क्या मिल रहा है एक होप मिल रही है ग्लोरी मतलब एक खुशी मिल रही है हमें ठीक है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्ट टू लॉन्ग मस्ट बी बॉन्ड अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड अब हमने क्या है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर एक्सपीरियंस किया ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो इसको बोला गया एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर अब ये ज़्यादा अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो अब हमारी एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न हो रही है जिसमें ह्यूमैनिटी को भी प्राउड होगा अब एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म होगी ठीक है अब डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होगा तो सबको एक दूसरे पे प्राउड होगा कोई एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं करेगा क्रूअली ट्रीट नहीं करेगा अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसी ऐसी ह्यूमैनिटी ऐसी सोसाइटी बॉर्न होगी सबकी सबको प्राउड होगा ठीक है वी हो वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टू डे बीग गिव इन द रियर प्रिवलेज द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइट तो आउटलॉस आउट लॉस का क्या मतलब बोला गया आउट लॉस का देखो बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एम्फी थाइड मैनी कंट्रीज हैड अली ब्रोकन ऑफ डेमो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द साउथ अफ्रीका तो जितने भी पॉलिटिकल uh, वगैरह जो बातें होती हैं जो रिलेशन्स होते हैं वो साउथ अफ्रीका से नेशंस ने तोड़ दिए थे इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ठीक है तो लेकिन अब ये हमें प्रिविलेज मिली है कि अपनी सॉइल पर अब वो सारे रिलेशंस को हम ठीक करेंगे अब वो रिलेशंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे किसी भी नेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वो अब आउटलॉस जो है वो हट चुका है ठीक है अब जो रिलेशंस तोड़े थे अब वो फिर से जुड़ जाएंगे वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंगिस्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग

अब ये सब चीज़ें जो हट गई हैं डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हट गया है तो ये इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक यू कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी एक जीत हुई है किस किस चीज़ की जीत हुई है जस्टिस की अब शांति होगी ह्यूमन डिग्निटी होगी ह्यूमंस को प्राउड फील होगा अब इस गवर्नमेंट पे, इस सोसाइटी पे, साउथ अफ्रीका पे सारे रिलेशनस वगैरह इंटरनेशनल जितने भी साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशनस थे ठीक है इन कंट्रीज़ के वो सब ठीक हो जाएंगे वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉ पोलिटिकल इमेंसिपिटेशन ठीक है तो हमने क्या अचीव कर लिया है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन आप देख सकते हैं इसका मीनिंग फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन तो हमें एक फ्रीडम मिल गई है ठीक है पोलिटिकल फ्रीडम हमने अचीव कर लिया है अब वी प्रिवलेज वी बलज्ड आवर सेल्फ टू रिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी डिप्रीवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस तो अब हमें क्या मिल गई है फ्रीडम पी मिल गई है हम सभी लोगों को जो बॉन्डेज थी जो रिस्ट्रिक्शंस थी जैसे पॉवर्टी थी डेप्रीवेशन था डेप्रिविएशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग द वन राइटफुल बेनिफिट्स की राइटफुल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे लोगों को रिस्ट की वजह से सफरिंग जेंडर की वजह से या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनकी वजह से जितनी भी रोक टोक थी अब वो सभी क्या हो गई हैं ख़त्म हो गई है ठीक है Never एंड नैर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल एक्स अगेन एक्सपीरियंस द अपोजिशन ऑफ वन बाई अनदर अब कभी भी इस ब्यूटिफुल लैंड पर ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होगी कि एक दूसरे को अब्यूज़ किया जा रहा है या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो द सन विल नेवर सेट जैसे कि अब ये जो ग्लोरी है ये जो खुशी है ये जो फ्रीडम है ये जो डिस्क्रिमिनेशन हट गया है ये अब ये एक ह्यूमन अचीवमेंट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ऐसा नहीं है कि खाली आज आज की है ये कभी भी अब ख़त्म नहीं होगा अब ऐसी फ्रीडम चलती रहेगी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लेट्स फ्रीडम डिजाइन मतलब मतलब रूल फ्रीडम हो गई है फ्रीडम मिल गई है गॉड ब्लेस अफ्रीका ठीक है तो ये उनकी क्या थी स्पीच थी ओके okay, आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हम एक साथ पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस चलिए आगे देखते हैं अ मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रॉप्स कैरियर रोडेड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्ड अब क्या हो रहा है फ्यू फ्यूमेंट्स लेटर के बाद क्या होता है सबकी आँखें जो हैं लिफ्ट ऊपर हो जाती हैं आसमान में हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा एक दिखने लग जाता है क्या दिखने लग जाता है स्पेक्टिकुलर देख सकते हैं एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है फ्लैग बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह मिलके ठीक है फ्लैग बनाया जाता है एक स्मोक uh, uh, के थ्रू ठीक है ठीक है इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोसेशन एंड द मिलिट्री फोर्स बट आर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है कि वो जो है जो स्काई में स्मोक की तरह डिस्प्ले हो रहा है वो कोई पिन पॉइंट पोजिशन नहीं है मिलिट्री फोर्स का कि करना ही करना है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो मिलिट्री की लॉयल्टी है कि वो अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं किसको डेमोक्रेसी को न्यू गवर्नमेंट को फ्रीली और जो फेयरली इलेक्टेड हुई है नया गवर्नमेंट ठीक है उसको अपनी लॉयल्टी जो है इसके थ्रू वो दिखा रहे हैं डिस्प्ले कर रहे हैं ओनली मोमेंट बिफोर इस मोमेंट से पहले द हाईएस्ट जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीका जो हाईएस्ट जर्नल है किसके साउथ अफ्रीका अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का एंड पुलिस के तो वो आए जिनके जो चेस्ट पर बहुत सारे रिबन्स लगे हुए थे मेडल्स वगैरह जो होते हैं ये वो लगे हुए थे तो उन्होंने सलूट किया और ठीक है उन्होंने कुछ अपनी लॉयल्टी दी उन्होंने सल्यूट किया ठीक है इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैडेड फुल का क्या मतलब होता है कॉन्शियस और ऑफ अवेयर ऑफ वो इस चीज़ से अवेयर है इस फैक्स अवेयर हैं कि बहुत साल पहले थर्टी ईयर्स जेल में रहे हैं वो ठीक है तो अब वो जो सलूट कर रहे हैं उन्होंने पहले मुझे अरेस्ट किया था ठीक है फाइनली अ चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफेरिकन अफ्रीकन फ्लैग तो अब क्या हो रहा है जेट्स के थ्रू इम्पाला जेट्स हैं ठीक है थीके? ये अफ्रीका साउथ अफ्रीका के जेट्स होंगे तो वो क्या कर रहे हैं फ्लैग बना रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया वो क्या कर रहे थे फ्लैग बना रहे थे किससे स्मोक से ठीक है कौन से कौन से कलर हैं फ्लैग में ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर है न्यू अमेरिकन फ्लैग में ठीक है तो ये डिफेंस की तरफ उन्होंने बता दिया कि जब उन्होंने स्पीच वगैरह दे दी उसके बाद ऐसे स्मोक में स्काई में हुआ ठीक है और वहाँ के जो जर्नल थे हाइएस्ट जर्नल थे डिफेंस फोर्स के और पुलिस के उन्होंने उनको सल्यूट किया ठीक है इन शॉर्ट में मैंने बता दिया द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे उस डे पे क्या हो रहा है अब दो नेशनल एंथम होते होंगे व्हाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए तो अब ये देखने वाली बात है कि कितना इंटरेस्टिंग होगा ना वो डे कि दो नेशनल एंथम गाए जाएंगे वाइट लोगों का भी और ब्लैक लोगों का भी तो वाइट लोगों का कौन सा नेशनल एंथम है ये नाम होगा दैट इज निकोसी सिकेले अफ्रीका ठीक है ये उनका नेशनल एंथम होगा तो हमें ये पता चल रहा है कि अफ्रीका का है बिकॉज लास्ट वर्ड देख सकते हो अफ्रीका ठीक है एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम तो ये दोनों के आपके नाम याद रखने हैं ठीक है पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए या वैसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ये लिखना चाहिए ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक तो यह ओल्ड एंथम है जो दोनों एंथम है वो गाए जा रहे थे अब क्या बोला जा रहा है कि इससे पहले क्या था कि उनको लिरिक्स के बारे में नहीं पता एंथम की ठीक है कि आखिर उनका क्या मतलब है ठीक है लेकिन वो बोल रहे हैं मंडेला uh, जी बोल रहे हैं ना नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उन्हें एक दिन वो जरूर आएगा जब वो उन उनके लिरिक्स को बाय हार्ट से गाएंगे ठीक है तो उनको अभी रिलैक्स रिलैक्स जो है वो नहीं पता है नेशनल एंथम के ठीक है जब हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग होता है तो हमें क्या है उनके रिलिक्स पे हम चले जाते हैं अच्छे से उन को याद करते हैं फिर गाते हैं जैसे सिंगर्स वगैरह करते हैं ठीक है तो हमें क्या है अच्छे से याद हो जाता है वो पूरा का पूरा सॉन्ग क्यों याद हो जाता है क्योंकि हमें रिलिक्स रि, जो है वो लर्न हो जाते हैं तो एक ना एक दिन वो भी आएगा जब उन्हें भी बहुत अच्छे से लर्न होंगी अच्छे से उनका मतलब उन्हें पता होगा ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन अब डे जो बात की गई है इनोग्रेशन की आई वॉज ओवरवेल्व्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री अब वो ओवरवेल्व्ड हैं हम किस से? हिस्ट्री के बारे में से इन द

तो उन्होंने क्या किया था वाइट लोगों ने उस समय पे क्या कर लिया था हाथ मिला लिया था एक दूसरे के साथ ठीक है एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशनल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड तो ये उनके बर्थ की भी पहले की बात है कि वाइट लोगों ने एक साथ ग्रुप बना लिया था अगेंस्ट डार्क स्किन लोगों के खिलाफ ठीक है रेशनल डोमिनेशन होने लग गया था द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉम द बेसिक वन ऑफ द हार्ष्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ नेज़ एवर नोन तो वो जो स्ट्रक्चर था जब हाथ लो मिला लिया था वाइट लोगों ने सबने अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल के खिलाफ तो वो जो था वो बहुत ही सबसे ज़्यादा हार्श था मोस्ट इनह्यूमन चीज़ थी जो वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं देखी थी अफकोर्स डिसीजन बहुत गलत था ब्लैक लोगों के साथ बहुत ना इंसाफ़ी थी डिस्क्रिमिनेशन तैयार होता बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें फेस करनी पड़ी थी ठीक है आगे देखते हैं नाउ इन द लास्ट डिगे ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी अब लास्ट डिगे ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हो रहा है एंड माई ओन एट डिगे एज अ मैन ठीक है दैट सिस्टम हैज बीन ओवर टर्न फॉर एवर अब वो सिस्टम जो है ओवर टर्न हो गया है मतलब कि पूरा घूम गया है अब वैसा कुछ भी नहीं हुआ अब वो रिप्लेस हो चुका है क्या रिप्लेस हुआ है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन अब उन्हें क्या है उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब उन्हें पीपल लो सारे ही लोगों को राइट्स होगा उनका फ्रीडम होगा ठीक है अब उनके कलर से जज नहीं किया जाएगा सबके पास इक्वल राइट्स हैं एन इक्वल फ्रीडम है ठीक है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजनेबल सेक्रीफाइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो वो दिन क्यों आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है जब ये जेल में थे तो ऑफ़ अफकोर्स इन्होंने अकेले ही तो ये चीज़ नहीं की होगी बहुत से लोग होंगे साउथ अफ्रीका के कि उन लोगों ने क्या किया होगा उनका साथ दिया होगा डट के खड़े रहे होंगे तो उन लोगों की बात की जा रही है ठीक है अनइमेजिनेरी सेक्रीफाइसेस हुए हैं बहुत से लोगों ने जान गवाई होगी ठीक है पीपल हु सेक्रीफाइस एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड उनका जो सेक्रीफाइस है ठीक है उनका जो उन्होंने जो सफ़र किया है क्योंकि अगेंस्ट जाना किसी चीज़ के उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? इतना करज दिखाना ठीक है वो कभी भी काउंट नहीं हो सकता और वो कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता है ठीक है काउंटेड और रीपे नहीं हो सकता है आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफेरिकन पॉर्ट्रेट्स हु हैड गॉन बिफोर मी तो अब मैं उनका थैंक यू नहीं कर सकता हूँ जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया जिन्होंने अपनी जान गवा दी अब अब मेरे से पहले वो जा चुके हैं हु हैड गॉन बिफोर मी मेरे से पहले वो मर चुके हैं तो मैं उनका क्या है थैंकफुल नहीं कर सकता हूँ उनको कोई रीपे नहीं कर सकता हूँ मतलब उनका सेक्रीफाइस इतना बड़ा है जो अनइमेजनरी सेक्रीफाइस है दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिकम अगेन विद मी बिगेन विद मी अब वो जो लाइन लॉन्ग इतनी बड़ी लाइन थी अब वो मेरे से ख़त्म हो गई है और अब अब एक न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है ठीक है वो सब क्या है वो नॉबल लाइन जो थी अब वो ख़त्म हो चुकी है आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड देट दे व नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैजू अब मैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है नेल्सन मंडेला को कि वो अब उनका थैंक्स नहीं कर सकते ठीक है थैंक्स नहीं कर सकते और वो जो वो जो मर चुके हैं वो ये नहीं देख सक देख सकते कि उन उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया उनकी वजह से हम अब क्या देख पा रहे हैं कितना फ्रीडम उनको मिल गया है ठीक है उनकी वजह से नेल्सन मंडेला क्या बन गए हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं ठीक है तो अब वो बहुत ज़्यादा पेन में है दर्द में है कि उन्होंने अपनी जान गँवा दी इस सेक्रीफाइस कराओ तो उन्होंने इतना बड़ा अपनी जान गवा के इतना कर्ज दिखाया डट के खड़े रही ठीक है तो वो आप थैंक्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो है ही नहीं ठीक है रोड का मतलब होता है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड दैट इज़ डन और अचीव्ड ठीक है कि हमने क्या अचीव किया उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था द पॉलिसी ऑफ एप्रटाइड क्रिएटेड अ डेप्थ एंड लास्टिंग वोंड इन अवर इन माई कंट्री एंड माई पीपल तो ये जब पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की उन्होंने एक क्या चीज़ क्रिएट की एक डीप और लास्ट वोंड मतलब एक चोट दी है किसको कंट्री को और लोगों को ठीक है तकलीफ हुई है ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्राम दैट प्री फाउंड ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इन सब चीज़ों में बहुत सारे साल हमने बिताए हैं लेकिन जनरेशन्स नहीं, नहीं मिले लगेगी रिकवरी uh, के लिए लेकिन कुछ टाइम ज़रूर लगेगा कुछ साल ज़रूर लगेंगे इसकी रिकवरी के लिए इस चोट की रिकवरी के लिए बट द टेस ऑफ ऑपरेशन एंड द बुट्रैलिटी हैड अनेदर अन इंटेंडेड इफेक्ट्स एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूज द ऑलिव थॉम्बस द वाल्टर यूसुफ दादोस द फिशर्स, द रॉबर्ट सुबोकवर्स ऑफ आवर टाइम द मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अब ये किसकी बात की जा रही है जो बिल्कुल डट के खड़े रहे थे उन लोगों की बात की जा रही है ये सारे ही लोग हैं और इससे भी और भी अच्छे लोग होंगे जिन्होंने करेज दिखाया फाइट की अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वाइट वाइट पीपल्स तो इन सब लोगों ने क्या दिया था साथ दिया था नेल्सन मंडेला का ठीक है जिन्होंने अपनी जान गँवा दी और इनका वो थैंक्स नहीं कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उनकी बात की गई है तो ये सेक्रीफाइस नहीं इन सब लोगों को प्रोड्यूस किया है ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम डम जिन जनरलसिटी दैट देअर लाइक मे नेवर भी नोन अगेन तो इस तरीके का एक्स्ट्राऑर्डनरी जो उन्होंने करेज विस्टम दिखाया है वो कभी भी मे नेवर भी नोन अगेन पर हैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑब्सेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स तो उन्होंने इट्स रिक्वायर्ड इसके लिए एक हाइट उन्होंने क्रिएट किया करैक्टर की इस कंट्री पे क्या है माय कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट्स लाइक द ब्रेथ इट्स सोल्स इस कंट्री में साउथ अफ्रीका कंट्री जो है वो बहुत रिच है जहाँ पे मिनरल्स जेम्स वगैरह हैं उनकी सॉइल में ठीक है बट आई हैव ऑल्सो नोन दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे लिए क्या है प्योरेस्ट डायमंड हैं ठीक है तो वहाँ लोगों की बात करी गई है बिकॉज़ लोग अगर किसी गलत के खिलाफ साथ देंगे जैसे ये छः लोगों की बात करी गई है ऊपर ठीक है नैसरमेंट डीलर ने जो ऊपर छः लोगों की बात की है वो भी क्या है प्योर डायमंड्स हैं साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने उनकी वजह से आज क्या दिन आया कि वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने फ्रीडम आई लोगों के में लोगों की जिंदगी में अब उन्हें वो फ्रीडम पूरी तरह से मिलेगी ठीक है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इट इज़ इट is फ्रॉम दीज comrades इन द स्ट्रगल दैट आई learned द मीनिंग ऑफ courage अब इस स्ट्रगल के अंदर ये जो लोग हैं जिन्होंने उनका साथ दिया उनसे पता चलता है कि मीनिंग क्या है करेज का टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ for एन आइडिया टाइम के साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि मैन और वुमेन दोनों ने ही रिस्क दी अपनी रिस्क लिया अपनी लाइफ के साथ वो इस लड़ाई में फाइटिंग में वो खड़े रहे बिल्कुल करेज के साथ खड़े रहे ठीक है तो उन्होंने अपनी लाइफ के साथ भी रिस्क लिया जिस जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग मैंने देखा है कि आदमी जो है वो स्टैंड खड़ा रहता है चाहे कितना भी उसे अटैक किया जाए ठीक है उसने कितना भी टॉर्चर किया है विदाउट ब्रेकिंग विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिल्कुल भी चाहे कितना भी उनके उनके ऊपर अटैक कर लो उन्हें कितना भी टॉर्चर कर लो लेकिन वो टूटेंगी नहीं शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन तो उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई इतना करेज दिखाया कि वो मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता उनके ऊपर कितना अटैक हुआ कितना टॉर्चर वगैरह हुआ लेकिन वो डट के खड़े रहे I learned that courage was not the absence of fear but the trips over it. तो courage खाली ये नहीं होता कि हमें was not the absence of fear कि हमें डर लग रहा है तो उसे हम courage नहीं कहेंगे but the trips over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who quarts that fear. Brave man वो नहीं होता कि जिसको डर लग रहा हो या वो डर से नहीं डर रहा हो वो होता है जब मुसीबत के टाइम पे आप करेज करेज के साथ खड़े रहो ठीक है कि आपको चाहे कितना भी डर लग रहा हो कितना भी डर लग रहा हो लेकिन आप वहाँ पे डट के वहीं पे खड़े हुए हो उसे कहते हैं ब्रेव मैन ठीक है और ये लोग जिन्होंने उनकी हेल्प की थी नेल्सन मंडेला की उस फाइटिंग में हेल्प की थी उन लोगों को वो लोग हैं क्या हैं ब्रेफ मैन ठीक है रेजिलेंस का मतलब आप देख सकते हो द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फॉर इट्स इफेक्ट ठीक है कि वो रिकवर भी हुए थे और उन्होंने स्ट्रेंथ भी दिखाई थी बहुत ज़्यादा नो वन इज बॉर हेटिंग अनदर पीपल बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन कोई भी जब हम पैदा होते हैं तो हम ये सीख के थोड़े ना पैदा होते हैं कि हम हेट करेंगे दूसरे पर्सन को उसकी कलर ऑफ द स्किन की वजह से उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से वो तो हम इस दुनिया में आके सीखते हैं ये चीज़ ठीक है कि हेट लव ये सब चीज़ें क्या होती हैं तो वही चीज़ जहाँ पर बोला गया है आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए पीपल मस्ट लर्न टू हेट पीपल लोग लर्न करते हैं हेट करना एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट अगर वो हेट करना भी लर्न कर सकती हैं तो उन्हें प्यार करना भी आ जाएगा अगर तो आप किसी से हेट करोगे तो प्यार करना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा नेचुरली आ जाएगा ह्यूमन हार्ट में ठीक है फॉर द लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन अपोजिट लव अपने आप ही आ जाता है अगर आपको हेट करना सिखाया जाएगा तो लव करना ऑटोमेटिकली नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आ ही जाता है इवन इन दिमिन प्रजेंट वेन माई कॉम्रांस एंड आई वॉर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लैमर ऑफ ह्यूमानी इन वन ऑफ द का जब वो प्रिजन में थे ना जेल में थे तो क्या था वहाँ पे जो लोग थे वो उनकी लिमिट्स को पुश कर रहे थे मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ फाइटिंग कर रहे थे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो ये वो तो ये सब कर रहे थे उनके मारते पीटते थे पुश का पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेअ पेन वहाँ पे मारा पीटा जाता होगा ठीक है वहाँ पे जो प्रिजन में उनके साथ लोग थे वो उनके साथ करते होंगे मारते पीटते होंगे लेकिन वहाँ पे जो एक गार्ड था उसके अंदर मुझे एक ह्यूमैनिटी दिखाई दी थी ठीक है बट इट वॉज नॉट इनफ टू रीइश्योर मी एंड कीप मी गोइंग इतना इनफ नहीं था उस करेज से उस ह्यूमैनिटी से मुझे ये नज़र आ रहा था कि मुझे चलते ही रहना है मुझे रुकना बिल्कुल भी नहीं है फाइट करते ही रहना है थोड़े टाइम का पेन है जब फ्रीडम मिल जाएगी तो वो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी मैंस गॉडनेस इज अ फेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटेंगिश्ड तो मैन के अंदर चाहे वो जो लव होता है जो गॉडनेस की जो लव की जो फेम होती है हो सकता है उसकी जो काइंडनेस है वो हिडन रहे लेकिन उसके अंदर से कभी भी खत्म नहीं हो सकती कभी ना कभी अच्छाई उसकी दिखेगी ही दिखेगी चाहे वो कुछ लोगों के अंदर हिडन होती हो लेकिन नेवर एक्स मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती है ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर है ही नहीं कोई पत्थर दिला ऐसा नहीं होता होती ही होती है ठीक है यहाँ पे यही बता रखा है ठीक है तो ये सब चीज़ें थी कि जिससे नेल्सन मंडेला को ताकत मिलती थी एक तो ये लोग जिनके अंदर इतना करज जो इनकी इनके साथ खड़े रहे डट के खड़े रहे फाइट करते रहे वाइट लोगों के वाइट लोगों खिलाफ। के खिलाफ ठीक है उस गवर्नमेंट के खिलाफ कि फ्रीडम हमें मिल सके बिकॉज फ्रीडम पे सबका हक है कोई रोक टोक नहीं कर सकता इस चीज़ पर ठीक है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टोन्स ऑब्लिगेशंस अब सब के लाइफ में ना हर मैन के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस होती है क्या क्या होती है दो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन टू हिज़ फैमिली टू हिज पेरेंट्स टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल हिज़ कम्युनिटी एंड हिज कंट्री तो यहाँ पे दो ऑब्लिगेशंस की बात हो गई एक तो फैमिली पेरेंट्स वाइफ और चिल्ड्रन जो घर में आपके मेम्बर्स हैं उनकी तरफ जिम्मेदारी एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू द पीपल एंड हज कम्युनिटी एंड हज़ कंट्री और ऑब्लीगेशन उन लोगों के लिए कंट्री के लिए कम्युनिटी के लिए तो दो ऑब्लिगेशन हो गई ठीक है इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी एवरी मैन इज एबल टू फुल फिल दो ऑब्लीगेशन अकॉर्डिंग ट्रर ओन इंक्लिनेशनस एंड एबिलिटीज इंक्लिनेशन का मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर तो हर मैन के अंदर क्या होती है उन ऑब्लीगेशन्स को फुलफिल करना होता है अपने अकॉर्डिंग अपने नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग लेकिन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द मैन of a birth and a color to fulfill both of those obligations. तो so, इस South Africa जैसी country में ये impossible है एक आदमी का कि वो दोनों ही obligations को क्या है fulfill कर सके color to fulfill both of those obligations. In such Africa, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated. एक man जो है color के according ही life को जीता है as a human being. और जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ क्या हो रहा था उन्हें पनिश किया जाता था अगर वो इन ऑब्लीगेशन के अगेंस्ट जाते थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे तो क्या होता उन्हें पनिश किया जाता था और अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था कि तुम अपना अलग ही करो अब फैमिली से दूर कर दिया जाता था आइसोलेट कर दिया जाता था इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफ़िल हिज ड्यूटी टू हिज पर्सन वॉज़ इन इविटेबिलिटी रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वो वॉल्स टू लिव अ लाइफ अ पार्ट अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ द सीक्रेसी एंड रेबिलेंस अब क्या बोला जा रहा है साउथ अफ्रीका में अपनी ड्यूटी अगर फुलफिल हो रहा है अन क्या होता था अपनी फैमिली से उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था उसके घर से दूर कर दिया जाता था और बोला जाता था कि तुम अप, अप रहो लाइफ में अपार्ट अकेले रहो फोर्स कर दिया जाता था इस चीज़ के लिए ठीक है अ टॉयलेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सीक्रेसी एंड रेबिलेंस आई ड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन टू सर्व माई पीपल तो बिगनिंग में चूज द प्लेस ऑफ माई पीपल अबव माई फैमिली पीपल्स को चूज़ करना करना अपनी फैमिली से तो अफकोर्स थोड़ा सा होता है कि लोग सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं देन आगे का सोचते हैं आओ फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटि फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन ब्रदर फादर एंड अ हजबेंड अगर तुम अपना उन लोगों के बारे में सोचोगे तो तुम अपने सन ब्रदर फादर एज अ हस्बैंड इन सब चीज़ों की ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे लेकिन अगर अब तुम फैमिली के बारे में सोचोगे तो तुमको दूर कर, जा जाता कर दिया जाता है पनिश कर दिया जाता है आइसोलेट कर दिया जाता है ठीक है ये चीज़ें बोली गई है तो दोनों ही ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में नहीं किए जा सकते फुलफिल आई वॉज नॉट बॉन्ड विद हंगर टू बी फ्री मैं ऐसा नहीं है कि मुझे फ्रीडम का कोई हंगर था जब मैं पैदा हुआ था कि मुझे फ्रीडम चाहिए फ्रीडम ऐसे ऐसे बोल बोल के मैं पैदा हुआ था आई वॉज बॉन्ड फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो मैं फ्री बोर्न हुआ था ठीक है फ्रीडम मुझे हर तरह से मिली थी जब मैं पैदा हुआ था फ्री टू रन इन द फील्ड जब मैं छोटा था तो फील्ड में नियर माई मदर हर्ट उनकी जो मदर की हर्ट होगी वहाँ पे जो फील्ड होगी वहाँ पे वो फ्रीली लर्न कर रन कर सकते हैं मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है ये छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उनको पसंद हो उस चीज़ में वो फ्री हो फ्री टू स्विम इन द द्रीन स्ट्रीम दैट रन थ्रू द विलेज तो कोई नदी स्ट्रीम बहती होगी तो उसमें स्विम करने की आज़ादी थी उन्हें फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल तो बुल के ऊपर राइड लेना ठीक है स्टार्स को देखना तो ये सब चीज़ें उनको एज अ फ्रीडम लगती थी जब वो छोटे थे एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड अबेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ द मैन और द गॉड तो मैं अपने फादर का ओबे करता था उनकी सारा कहना मानता था सारी चीज़ें जब मैं छोटा था तो मेरा मुझे कभी भी इस चीज़ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई फ्रीडम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी आई वॉज वो ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट अपेयर टू बी रियल बट इज़ नॉट अब जब वो बड़े हुए कॉलेज टाइम में वो जब आ गए बॉयहुड में आ गए तो उनका उन्हें अपना फ्रीडम फ्रीडम जो है वो क्या लगना इल्यूजन लगने लगा कि वो रियल तो है लेकिन बट इट इज़ नॉट ठीक है व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी कि मेरी फ्रीडम जो है मुझसे ले ली गई है देन आई बिगेन टू हंगर फॉर इट और तब मुझे फ्रीडम की क्या हुई भूख होने लग गई हंगर होने लग गया एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ एज अटूडेंट के लिए मेरे लिए ही खाली मुझे फ्रीडम चाहिए होता था लेकिन द ट स्टडी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीड वट आई पीस एंड गो वेयर आई चूज़ तो एज अ स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए होता था कि मैं रात को बाहर जा सकूँ स्टे आउट कभी भी जा सकूँ जो मुझे पढ़ना हो मैं वो पढ़ सकूँ और जहाँ मुझे जाना हो मैं वहाँ जा सकूँ लेटर एज यंग मैन इन जॉनिस बर्ग्स आई ईल्ड फॉर अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीपिंग ऑफ मैरिंग हैविंग अ फैमिली द फ्रीडिंग इज नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ तो अब जब वो स्टूडेंट का हो गया उनका उन्होंने बता दिया कि मुझे ये फ्रीडम चाहिए था फिर जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे जब उन्हें अपनी जॉब उनकी अर्निंग उनकी किससे शादी करनी है उनकी फ़ैमिली इन सब पे उनको क्या होने लगा ऑब्स्ट्रक्शंस होने लग गया उनकी लॉफुल लाइफ में बट देन आई स्लोली सॉ देट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री लेकिन जब मैंने देखा स्लोली स्लोली जब बड़े होते चले गए वो उन्होंने देखा पैसे कमाना मैरिज करना ये सब चीज़ें खाली उन्हीं पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनके ब्रदर्स सिस्टर्स जो थे वो उन पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस थी डिस्क्रिमिनेशन था खाली वो ही उन्हीं पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी ऐसा नहीं था तो क्या था ब्लैक पीपल थे नेल्सन मंडेला तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सब पे क्या थी रिस्ट्रिक्शन थी डिस्क्रिमिनेशन होता था आई सॉ दैट इट वाज़ नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट आई वाज कल्टेटेड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लाइक आई डिड जैसा मैं दिखता हूँ उस उन की ही फ्रीडम क्या है ले ली गई है सब एक उसमें रहते हैं कि यही रूल है आपको ये फॉलो करने हैं ऐसा ही करना है ठीक है तो ये जैसा मैं दिखता था उन सब पे रिस्ट्रिक्शंस थी डिस्क्रिमिनेशन था ठीक है देन आई दैट दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तो तब मैंने जाके क्या ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर ऑफ फॉर द फ्रीडम फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल तो अब क्या बोला गया है इसमें अब जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली अब हंगर खाली मेरे लिए नहीं है अब बहुत बड़ा भूख बन गई है उनकी फ्रीडम के लिए अपने लोगों की तरफ ठीक है तो अब उन्हें खाली खुद के लिए फ्रीडम नहीं चाहिए उनके जैसे हर लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए इट वॉज़ दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफर आ फ्राइटन यंग मैन इन टू द बोल्ड वन इसमें क्या बोला गया है कि अब फ्रीडम जो है ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ जिससे वो अपनी लाइफ जो है एक डिग्निटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके इसीलिए उनको अब ये डिज़ायर है उनको अब ये फ्रीडम चाहिए ही चाहिए अब एक फ्राइटेंट यंग मैन अब एक बोल्ड वन में क्या हो चुका है कन्वर्ट हो चुका है दैट ड्रॉव अ लो अबेडेंट अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल अब एक लॉ जो लॉ फॉलो करते में अब वो क्या बन चुका है एक क्रिमिनल बन चुका है कंट्री के लिए अब कंट्री के जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो कंट्री के लोगों के लिए तो वो क्या होगा क्रिमिनल होगा उनको जेल में डाल दिया क्या चोरों की नैलसन मंडेला जेल में रहे भी हैं दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बेंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम अब क्या हो चुका है कि नैलसन मंडेला को ना ये बेसिक चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए ही थी जैसे होम हो गया पढ़ाई हो गई शादी हो गई ये सब उनको चाहिए था लेकिन अब वो क्या हो गया उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस अब उन्होंने इनके अगेंस्ट में चले गए हैं वाइट लोगों की तो एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो हैं वो एक ऐसे मैन में कन्वर्ट हो गए हैं जिनके पास अब घर भी नहीं है दैट फोर्स्ट अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉक मॉक कौन होते हैं जो कि मतलब जिनके पास अब कुछ नहीं होता ठीक है अब उनका घर भी नहीं है उनके पास उनके पास कुछ नहीं है ठीक है तो मौका मतलब ये हो जाता है आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइजिंग देन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री अब क्या बोला जाए सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो रहा है अब वो क्या कर रहे हैं उन्होंने आई कुड नॉट इवन इन्जॉय वो इंजॉय नहीं करते हैं इस लिमिटेड फ्रीडम को इस गरीबी को क्योंकि अब सभी लोग जो भी उनकी तरह लोग हैं वो भी फ्री नहीं हैं उनके पास भी क्या नहीं है फ्रीडम नहीं है फ्रीडम दो है इनडिवाइडेबल होती है फ्रीडम होती है तो पूरी फ्रीडम होती है इनडिवाइडेबल होती है उसे डिवाइड नहीं करा जाता कि तुम यहाँ जा सकते हो यहाँ जा सकते लो हो हो गई तुम्हारी फ्रीडम ऐसे नहीं हो सकता है द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वो द चेन ऑन

किसी दूसरे पे क्या करता है उसकी लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है उसकी फ्रीडम ले लेता है तो उस पर भी क्या होता है उतना ही होता है तो नेक्स्ट लाइन में देखो मतलब पता चल जाएगा अ टेक अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिज़न ऑफ द हेटर्स हेटर्स के वो भी उतने ही वो होते हैं जब कोई आदमी किसी की फ्रीडम ले लेता है ना तो उसके मन में भी क्या हो जाती है नफरत हो जाती है ही लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ पीडि जी मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन एक स्ट्रांग डिसलाइक होता है ठीक है बिना किसी रीज़न का और नैरो माइंडेड होता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम फ्रीडम मैं भी फ्री नहीं होऊंगा अगर अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले लेता हूँ जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी एज श्योरली एज़ आई एम नॉट फ्री वेन आई वेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी वो जना भी फ्री नहीं होगा मैं भी बिल्कुल फ्री नहीं हूँ मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले लूँगा तो मैं भी बिल्कुल फ्री मुझे भी फ्रीडम नहीं होगी मैं भी बिल्कुल फ्री नहीं हूँ द ऑबसेस्ट एंड द ऑप्सीसर आई लाइक आर रॉब्ड ऑफ देअर ह्यूमैनिटी तो वो क्या होते हैं ऑप्सेस्ड और ऑप्सीसर पीड़ित और जो कर रहा है जो दूसरों की फ्रीडम दे रहा है वो भी क्या होते हैं एक रॉब्ड होते हैं ऑफ़ देअर ह्यूमानिटी ठीक है तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है आपका तो एनसीआर टी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा उन्होंने अपना पूरा चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया जिसका वो थैंकफुल नहीं कर सकते थैंक यू नहीं बोल सकते हैं उन्हें उन्होंने ये बताया तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि कितने ब्रेव लोग हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की जो उन्होंने स्पीच दी उन्होंने जो प्रिजन में वो रहे ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बता दी हैं ठीक है उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया सारा जो उन्होंने फाइटिंग की ठीक है फ्रीडम को पाने के लिए आई होप आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया होगा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा हाँ चैप्टर थोड़ा लाइन बाय लाइन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम समरी पढ़ेंगे तो आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी समरी क्लियर हो जाएगी ठीक है तो समरी की वीडियो आएगी और एन सी आर टी इसमें जितने भी सोल्यूशनस हैं क्वेश्चन हैं उन सबकी वीडियो आ जाएगी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय बाय